अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं शिनवारी मटन कढ़ाई। इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट की जरूरत है वो देख लें। आधा किलो बकरे का गोश्त, एक प्याली तेल, चार टमाटर, इसे हम उबाल के इसका छिलका उतार लेंगे। हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 3 टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हरी मिर्चें मैंने 4 जो है पतली वाली ली हैं और 2 मोटी वाली, क्योंकि इसमें लाल मिर्च नहीं जाएगी इसलिए मैंने थोड़ी सी ज्यादा मिर्चें ली हैं। अदरक ये मैंने जूलियन काट ली है, मिर्चें और धनिया, ये सब गार्निशिंग के लिए। चलें शुरू करते हैं। ये टमाटर को हम बॉईल होने के लिए 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसका छिलका आसानी से उतर जाए। टमाटर बॉईल हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे और इसका छिलका उतार लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से इसका छिलका उतार। चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें गोश्त शामिल करेंगे। तेल अगर आपको ज्यादा लगे तो आप बाद में इसको निकाल दीजिएगा। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। और इसे फ्राई कर देंगे। इसको फ्राई होने में 8 से 10 मिनट लगेंगे। साथ ही इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। गोश्त फ्राई हो चुका है, अब इसे हम 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के गलने के लिए रख देंगे। इसे गलने में 40 मिनट लगेंगे। बकरे का गोश्त थोड़ा मुश्किल से गलता है इसलिए हम इसे अब ढककर गलने के लिए छोड़ देते हैं। गोश्त गल चुका है और पानी खुश्क हो जाए, अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर के साथ नमक, और इसे भूनेंगे। ये देखिए टमाटर गल चुके हैं और अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो गए। अब इसमें हम हरी मिर्चें, काली मिर्चें और दही, ये शामिल करके इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको दम पर रख देंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। चलें इसे आप निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। शिनवारी मटन कढ़ाई तैयार है।